हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एक मिनी कूलर के बनाने के बारे में है। तो आज हम आपको मिनी कूलर बताएंगे बना के, और ये डीसी से चलने वाला कूलर होगा। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये टिन ले लिया है। ये हमारे ऑयल का डिब्बा है। तो इसको अभी हम कटिंग करके पूरा सिस्टम इसमें बना के बताएंगे आपको। हाँ, तो देखिए, यहाँ से मैंने ये सेंटर ले लिया है और पंखे के लिए हम ये टिन को काटेंगे। तो ये हमने यहाँ से 8 इंची का सेंटर ले लिया, और ये बीच में इस डिजाइन से हम ऐसे गोला करके ये देखिए निशान बना लेते हैं। ये हमारा गोला बन गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये हमारा जो है गोला कट चुका है ये फैन लगाने के लिए। अब यहाँ साइड में और पीछे साइड और इस साइड हम दोनों तरफ यहाँ घास लगाने के लिए कटिंग करेंगे। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, इसको पैमाइश कर लेते हैं, और नाप लेने के बाद में फिर बाद में इसको हम ग्राइंडर से कटिंग करेंगे। फिर इसी पट्टी को हम ग्राइंडर से काटेंगे। और चाहते तो हम इसको अलग पूरा कर सकते थे, मगर इसमें हम जब जाली लगाएंगे तो जब चालू करेंगे हम टुल्लू, तो क्या होगा, पानी अंदर की जगह ये बाहर आने लगेगा। तो इसमें हम कटिंग वाला जो है बनाएंगे कि यहाँ से हमारा पानी जो है बाहर नहीं आए, बस ये अंदर ही रहे। तो ये हमने देखिए पैमाइश बना लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे ग्राइंडर से। ये देखिए, अभी मैंने ये काटा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ये किनारे किनारे पे हल्की सी कटिंग करेंगे। ये अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा हिस्सा है ये कटा वाला, इसको हम अंदर साइड ऐसे बेंड कर देंगे। ये इस टाइप से हम बना देंगे, तो जिससे कि हमारा जो है पूरा इसी डिजाइन से होता चला जाएगा, और पानी अगर गिरेगा भी तो वो सीधे अंदर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस डिजाइन से हमको पूरा काट लेंगे तीनों तरफ। तो अभी हम काटते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि हमने ये इसको तीनों तरफ से कटिंग कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, ये मोटर को फिट करने के लिए इसमें हम एक क्लैंप बनाएंगे, और इसके 3 लेग्स बनाएंगे जिसके जरिए ये हम यहाँ पे इस मोटर को फिट करेंगे। तो ये मैंने लेग्स बनाने के लिए इसके ये मैंने देखिए मार्किंग कर दिया है। ये 3 लेग्स निकालेंगे, 1, 2, 3। ये 3 लेग्स लगाने के बाद में फिर हम एक क्लैंप बना के ये मोटर में फिट करके इस डिज़ाइन से हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये लेग्स को ये हम काट लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी तीनों लेग्स के लिए पट्टी कट गई है। अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए क्लैंप बनाएंगे मोटर के लिए। तो क्लैंप बनाने के बाद फिर ये लेग्स हम मोटर में फिट करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये हमारे मोटर का क्लैंप बना दिया हमने। ये इस डिज़ाइन से लगाना है, और ये हमारे 3 लेग्स लगे हुए हैं। ये इसको हम मोटर के साथ ही इस डिज़ाइन से लगाएंगे 3 साइज में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नट बोल्ट को लगा लेते हैं। फिर लगाने के बाद उसी हिसाब से हम इसको टाइट करेंगे। टाइट हो जाएंगे। तो देखिए, ये हमारे मोटर में क्लैंप लग गया है, और ये हम एक लेग्स लगाएंगे, एक इस टाइप से लगाएंगे, और दूसरा हम इस टाइप से। ये, और तीसरा हम इधर साइड लगाएंगे।
ये देखिए, ये तीनों लेग्स हमारे इस डिजाइन से लग गए हैं। अब हम यहाँ से क्लैंप को, ये नट को टाइट करेंगे, जिससे कि हमारा क्लैंप टाइट हो जाएगा और लेग्स भी अब हिलेगा नहीं इधर उधर से। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। हम टाइट कर लेते हैं नट को, जितना टाइट कर लेंगे उतना हमारा लेग्स अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए पूरी तरह से टाइट हो गया है। अब ये तीनों लेग्स को हम ऐसे सीधा कर देंगे, ये इस डिजाइन से इसको ये तीनों लेग्स को घुमा के देंगे। कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो पंखड़ी है वो लेग्स में बिल्कुल नहीं टच करें। तो ये देखिए दो हो गया है, ये तीनों हो गया है, ठीक है। ये देखिए अब हमको क्या करना है, हमारी जितनी बड़ी पंखड़ी है, मान लीजिए पंखड़ी हमारी ये है तो यहाँ तक है, तो इसके आगे से हमको बैंड करना है। यहाँ से इस डिजाइन से ये लेना है और यहाँ से बाद में इस डिजाइन से करना है कि ये हमारे पंखड़ी में टकराए भी नहीं और ये हमारा लेग्स पूरी तरह से जाम हो जाए। तो इसी प्रकार से हम करना है, ये इस डिजाइन से और फिर बाद में ये हमारा जो है बॉडी में जाम होगा। यहाँ पर नट लगा के होल करेंगे और इसी प्रकार से हम ये वाला भी ऐसे करेंगे और इसको भी हम इस डिजाइन से कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये जिस हिसाब का हमको एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से कर लेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि हमारा जो है ये पंखा जो है इसमें टकरा तो नहीं रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये लगा हुआ है, अब ये देख सकते हैं हमारा पंखा ये पूरी तरह से फिट है, कहीं भी टकरा नहीं रहा है। तो अब हमको इसी को सीधे बॉडी में जाम काम कर देना है। यह हमारी पंखे के सामने की जाली हो गई है और ये पीछे साइड की है, और ये दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरफ की है जाली है। ये जाली अंदर साइड से इसको लगा देंगे और ये वाली जाली जो है चौड़ी वाली ये पीछे साइड लगा देंगे, इधर साइड अंदर साइड से लगाएंगे इसको। और ये जो हमारी है ये लेफ्ट राइट की है, इधर साइड लगाएंगे, इधर साइड लगाएंगे, अंदर साइड से लगाएंगे इसको। हैं ये हमारा फैन देखिए लग गया है ये बॉडी में। अभी बचा हुआ क्या है, इसमें खसखस लगाना है यानी कूलर वाली घास लगाना है और इसमें भी कनेक्शन करना बाकी है। हाँ तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी पाइपिंग हो गई है पानी के लिए। और ये हमारा यहाँ पे पाइप का जो दूसरा सिरा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये टिल्लू पंप लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसको नीचे रख देंगे और फिर इसमें हम पानी डालने के बाद इसको चेक करेंगे। तो अभी देखिए इसको, अभी हम इसमें पानी डालने के बाद चलाते हैं। हाँ तो देखिए अब ये हम कूलर में पानी डाल रहे हैं, ये कूलर में पानी डाल दिया है। अब इसको अभी हम चला के देखते हैं कि हमारा कूलर किस प्रकार से पानी देता है और चलता कैसे है। हाँ तो देखिए ये हम कूलर को चेक करने जा रहे हैं, अभी हम सप्लाई दे रहे हैं। ये देखिए मैंने बैटरी का कनेक्शन कर दिया है, ये हमारा कूलर एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है,
एकदम ठंडी हवा दे रहा है और पानी भी तीनों तरफ से गिर रहा है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।